तो दोस्तों, जब हमें ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से हमारा जो पैन कार्ड है वो लिंक नहीं हो रहा है, या फिर हमारा जो बैंक अकाउंट है वो लिंक नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए जब हम ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के कस्टमर सपोर्ट की टैब पर जाते हैं, तो वहाँ पर हमें चैट विद अस करके एक ऑप्शन मिलता है, जिसके ऊपर क्लिक करके हम अपनी क्वारी को कम्प्लीट करते हैं। मगर इन दिनों दोस्तों, जो चैट विद अस करके ऑप्शन है वो हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि चैट विद अस का जो ऑप्शन है वो आपको क्यों नहीं मिल रहा है और कैसे मिलेगा। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं टेक्नोनॉलेज चैनल। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और अब दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि सर, हम आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं बात करने के लिए, तो कांटेक्ट कैसे करें। तो देखिए, इसके लिए यहाँ पे मैंने मेरा जो इंस्टाग्राम का QR कोड है वो लगा दिया है, जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद में जब आप मुझे DM करेंगे तो वहाँ पर मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। देखिए, यूट्यूब के ऊपर मैं ओपनली अभी तो किसी को प्रोवाइड नहीं करा सकता हूँ, मगर जब आप मुझे इंस्टाग्राम पर आएंगे, फॉलो करेंगे, तो वहाँ पर जब आप DM करेंगे तो DM के अंदर मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बातचीत करने के लिए। और अब दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में चैट विद अस का जो ऑप्शन है वो हमें क्यों नहीं देखने के लिए मिल रहा है, इसका क्या रीजन है। तो देखिए, जब भी आप ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में जब आप हेल्प एंड सपोर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे तो ऊपर ही ऊपर आपको एरर देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पे देखिए यहां पे लिखा हुआ भी है, मैंने स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिया है, चैट फीचर इज डाउन, वी आर वर्किंग ऑन इट, जिसका मतलब ये है कि कुछ टेक्निकल इशू आ चुका है जिसके कारण ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में आपको चैट विद अस का जो ऑप्शन है वो नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों, जब चैट विद अस का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो इसके बाद में हम अपनी कंप्लेन को कैसे करें, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और अब दोस्तों, इसके बाद में जिन लोगों को ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में चैट विद अस का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो उनको अपनी रिपोर्ट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपनी ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको अपनी ऊपर ऊपर प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना है। इसके बाद में नीचे आपको हेल्प एंड सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना है। जब आप नीचे आएंगे तो फिलहाल के टाइम पे अभी आपको चैट विद अस का ऑप्शन नहीं मिलेगा, मगर इसकी जगह पे आपको राइट टू अस का ऑप्शन मिल जाएगा। सेम टू सेम सारे फीचर आपको जो चैट विद अस पे मिलते थे वो सारे के सारे यहाँ पे आपको राइट टू अस में मिलने वाले हैं। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू टैब आ जाएगी। आने के बाद में दोस्तों, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो जस्ट आपको यहाँ पे राइट टू अस के नीचे ही क्लिक कर देना है। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा पैन बैंक एरर का, दूसरे नंबर पे आपको विड्रावल का, इसके बाद में न्यू TDS डिटेक्शन का, डिपॉजिट का, लॉग इन इशू का। तो जो भी चैट विद अस के ऑप्शन में फीचर्स आपको मिलते थे सारे के सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद में आपको जिसके रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम आ रही है, सिंपली आपको इस फीचर को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में बस आपको अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर देना है और रिपोर्ट कर देना है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो। जिन लोगों को ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में चैट विद अस का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह पे आप राइट टू अस का फीचर है उसे यूज कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वारीज है वहाँ पे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो भी क्वारीज हो उसे रिजॉल्व होने में थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, क्योंकि अभी IPL 2024 चल रहा है, तो ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के करोड़ों यूज़र हैं, ना जाने कितने साल की क्वारीज कस्टमर सपोर्ट के पास में जा रही है। तो इसके लिए थोड़ा सा समय आपको ज़रूर लगेगा, मगर आपकी जो क्वारीज है वो रिजॉल्व हो जाएगी। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके पास ही बने बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑल पर सेट कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में।